गुड मॉर्निंग टीच फॉर क्लास सिक्स। बच्चों अब हम लोग हिंदी फर्स्ट में लेसन फोर की रीडिंग करेंगे। लेसन फोर हमारा है हर जीव का मोल। इसके लेखक जो हैं कमला जवाहरलाल शर्मा हैं। इसमें लेखक ने बताया है कि हर जीव का अपना मोल होता है, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है। सब कहीं ना कहीं हमारे काम जरूर आते हैं। सबका अपना एक दायरा होता है, एक काम होता है। आइए उसी के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं, देखते हैं। एक राजा था, उन्होंने आज्ञा दी कि संसार में इस बात की खोज की जाए कि कौन से जीव जंतु का उपयोग नहीं है। बहुत खोजबीन करने के बाद उन्हें जानकारी मिली कि संसार में दो जीव जंगली मक्खी और मकड़ी बिल्कुल बेकार हैं। राजा ने सोचा क्यों न जंगली मक्खियों और मकड़ियों को ख़त्म कर दिया जाए। इसी बीच राजा पर बच्चों अब यहाँ देखो राजा ने क्या किया, उन्होंने खोज कराया अपने सैनिकों से, अपने गुप्तचरों से, जो भी उस समय के उनके सूचना विभाग के लोग रहे होंगे। उन्होंने राजा ने कहा कि आप खोज करिए कि कौन सा जीव मतलब इस संसार पे, इस धरती पे बेकार है, जिसका कोई मोल नहीं, मतलब कोई यूज नहीं, यूजलेस हैं वो। तो पता लगाया गया, पता क्या चला, जंगली मक्खी और मकड़ी। अब यहाँ देखो राजा क्या सोच रहा, आइए देखते हैं। राजा ने सोचा क्यों न जंगली मक्खियों और मकड़ियों को ख़त्म कर दिया जाए। इसी बीच राजा पर एक अन्य शक्तिशाली राजा ने आक्रमण कर दिया। युद्ध में राजा की हार हुई और जान बचाने के लिए उन्हें राजपाट छोड़कर जंगल में जाना पड़ा। शत्रु के सैनिक उनका पीछा करने लगे। काफ़ी दौड़ भाग के बाद राजा ने अपनी जान बचाई और थक कर एक पेड़ के नीचे सो गए। तभी एक जंगली मक्खी ने उनकी नाक पर डंक मारा, जिससे राजा की नींद खुल गई। उन्हें ख्याल आया कि खुले में ऐसे सोना सुरक्षित नहीं है और वे एक गुफा में जाकर छिप गए। अब क्या होता है बच्चों देखो, राजा जब ये सोचे कि जो बेकार जीव हैं उनको हम राज्य से बाहर मतलब मरवा दें, निकलवा दें, उनका यहाँ से अस्तित्व ख़त्म कर दें, तो उसी बीच किसी दूसरे राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। अब दोनों के बीच लड़ाई होती है, तो जो ये राजा थे ये हार जाते हैं और अपनी जान युद्ध क्षेत्र से अपनी जान बचाकर भागते हैं किसी तरह जंगल में। अब जो राजा इनके ऊपर विजय प्राप्त किया था, अर्थात जीत लिया था इनके राज्य को, उनके सैनिक इनका पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं। अब ये थक कर एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। तो फिर देखिए क्या होता है, जिस मक्खी को इन्होंने राज्य से निकालने के लिए घोषणा की थी, वही मक्खी जंगल की जो है इनकी नाक पर डंक मारती है और इन्हें जगाती है। ये सोचते हैं कि सही बात है, खुले में नहीं सोना चाहिए, हो सकता है कब वो सैनिक आके हमें पकड़ लें, इसलिए गुफा में चलें। अब देखते हैं बच्चों सॉरी गुफा उन्हें ख्याल आया कि खुले में ऐसा नहीं सोना सुरक्षित नहीं है और वो एक गुफा में जाकर छिप गए। राजा के गुफा में जाने के बाद मकड़ियों ने गुफा के द्वार पर जाला बुन दिया। शत्रु के सैनिक उन्हें यहाँ वहाँ ढूंढते हुए गुफा के नज़दीक पहुँचे। द्वार पर घना जाला देखकर वापस आपस में कहने लगे, अरे चलो आगे, इस गुफा में राजा आया होता तो द्वार पर बना यह जाला नष्ट हो जाता। गुफा में छिपा बैठा राजा ये बातें सुन रहा था। शत्रु के सैनिक आगे निकल गए। उस समय राजा की समझ में यह आई कि संसार में कोई भी प्राणी या चीज़ बेकार नहीं है। अगर जंगली मक्खी और मकड़ी न होती तो उसकी जान न बच पाती। भगवान की बनाई दुनिया में हर जीव का मोल है, कब कहाँ किसकी ज़रूरत पड़ जाए। मतलब तब राजा के समझ में ये आया कि अगर यह मकड़ी यहाँ पे जाला नहीं बुनी होती तो आज जो शत्रु के सैनिक थे मुझे मार डालते, आज इनकी वजह से मेरी जान बची है। अर्थात राजा के समझ में बच्चों ये आ गया कि हर जीव का अपना मोल होता, कोई कब कौन किसके काम आ जाए कोई पता नहीं होता है। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हर जीव मतलब हर जीव का, चाहे चींटी हो, चाहे वो शेर हो, चाहे जो भी हो, मतलब आदमी हो, कोई भी जो भी इस धरती पे भगवान की रचना, भगवान ने जिसकी रचना यहाँ पे की है, धरती पे भेजा, सबका अपना एक महत्व है, अपना एक मोल है। ठीक, तो बच्चों ये था हर जीव का मोल लेसन को हम लोगों ने रीडिंग किया। इसको इसका एक्सप्लेन हुआ, समझे आप लोग, और इसकी रीडिंग कर डालना। तो आपका होमवर्क है रीड योर लेसन।
इसकी एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।